हेलो दोस्तों नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, श्रीलंका ने जासूसी जहाज को रुकने की नहीं दी इजाजत तो भड़ गया चाइना, जमकर सुनाया भारत की चाल से चीन हुआ पस्त। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे भारत की चाल में फंस गया ड्रैगन, साथ ही साथ आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ हिंद महासागर में हिंदुओं के दूसरे घर में भारत ने किया हवाई अड्डे का उद्घाटन, थमथमा उठा मालदीव में घुसा चाइना। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको संदेश खाली से जुड़ी सबसे खबर बताएंगे, जहां संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय महिलाओं ने मनाया जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि संदेश खाली में बहनों के साथ जो हुआ उससे पूरा देश गुस्से में है, टीएमसी ने पूरी कोशिश की गुंडों को बचाने की पर हमने बचने नहीं दिया। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप आराम से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि बंगाल में तो बदलाव बहुत जरूरी है, जंगल राज अब किसी भी कीमत पर खत्म होना चाहिए और नई सरकार बननी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत की चाल से ड्रैगन हुआ पस्त, श्रीलंका ने जासूसी जहाज को रुकने की नहीं दी इजाजत तो भड़क गया चीन, जमकर सुनाया। जी हां, हिंद महासागर में चीन की जासूसी बढ़ती जा रही है, ऐसे में चीनी जहाज जो रिसर्च के नाम पर आते हैं वे श्रीलंका में रुकते रहे हैं। इन जहाजों की आमद पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत के इस ऐतराज पर श्रीलंका ने चीनी जहाज को रुकने की इजाजत देने से मना कर दिया है, इसी कारण से चीन नाराज हो गया है। चीन के रिसर्च जहाज जासूसी करने के लिए लगातार हिंद महासागर में आवाजाही करते रहते हैं, जिन पर भारत कड़ा ऐतराज जताता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जनवरी 2024 से एक साल के लिए देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए चीनी अनुसंधान जहाजों को रोकने का फैसला लिया गया। इस फैसले पर चीन ने श्रीलंका के प्रति असंतोष जताया है। हालांकि श्रीलंका ने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि सभी देशों के रिसर्च जहाजों पर रोक लगाई है, लेकिन इसका प्रभाव चीन पर ही पड़ेगा। जी हाँ, चीनी रिसर्च जहाज जियांग यांग होंग 3 दक्षिणी हिंद महासागर में एक्सप्लोरेशन के लिए आ रहा था, ऐसे समय में श्रीलंका ने यह फैसला लिया। जहाज आधिकारिक तौर पर चीनी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के 3rd समुद्र विज्ञान स्थान के स्वामित्व वाला है। भारत की सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए श्रीलंका ने यह फैसला लिया, जिसके बाद दोस्तों श्रीलंका से नाराज तो हुआ ही हुआ, भारत पर भी भड़कता नजर आया है चाइना। यानी कि दोस्तों भारत ने अपने चाल में ड्रैगन को वाकई में फंसा दिया है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि भारत वाकई में बहुत आगे निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब चीन जैसे देश भी भारत की जाल में फंसते नजर आ रहे हैं और भारत सिर्फ अपने देश के लिए फैसले लेता है। दोस्तों आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो, इसका कूटनीति का सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां हिंद महासागर में हिंदुओं के दूसरे घर में भारत ने किया हवाई अड्डे का उद्घाटन, थमथमाया मालदीव में घुसा हुआ चीन। जी हां, इस हफ्ते की शुरुआत से मालदीव में तैनात भारत के सैनिक वापस लौटने लगे हैं, जबकि भारत से टेक्निकल कर्मियों की टीम भारतीय सैनिकों की जगह लेने मालदीव पहुंच चुके हैं। भारतीय सैनिकों की मालदीव से वापसी के लिए 10 मार्च डेडलाइन है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ ने संयुक्त रूप से एक हवाई पट्टी और एक जेटी का उद्घाटन किया, जिसे भारत ने पोर्ट लुइस के उत्तर में 1100 किलोमीटर और माले से 2500 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित अगालेगा पर बनाया है। मॉरिशस, जिसे हिंद महासागर में हिंदुओं का दूसरा घर कहा जाता है, वो भारत के लिए बहुत ज्यादा रणनीतिक महत्व रखता है, खासकर उस वक्त जब मालदीव चीन की गोद में जा बैठा है। उस वक्त हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति और उसकी आक्रामकता पर लगाम लगाने में मॉरिशस काफी अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां पर कश्मीर पाकिस्तान में मिलना ही नहीं चाहता, भारत की यूनाइटेड नेशन में फटकार पर अपने ही नेताओं पर भड़के पाकिस्तानी। बता दें भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर तुर्की और पाकिस्तान को लताड़ लगाई। भारत ने तुर्की से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने को कहा। इसके अलावा पाकिस्तान से कहा कि जम्मू और कश्मीर और पूरा लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। भारत के इस बयान से पाकिस्तानी पूरी तरह बौखला गए हैं। पाकिस्तान के लोगों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के सख्त रवैये को खबरों से गायब कर दिया था। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने जब लोगों से इस मुद्दे पर बात की तो वो बौखला गए। उन्होंने कहा कि भारत के पास पैसा है, इसीलिए वो सभी को आंख दिखा रहा है। बातचीत में रहमान नाम के एक शख्स ने कहा कि भारत से ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन जब उससे कहा गया कि ट्रेड इमरान खान ने बंद कर दी थी तो वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वहीं जब पूछा गया कि भारत के अलावा अफगानिस्तान और ईरान के साथ पाकिस्तान का विवाद क्यों रहता है, इस पर उसने कहा क्योंकि दोनों देशों में भारत मौजूद है। एक अन्य शख्स ने बातचीत में कहा कि कश्मीर तो आजाद तब होगा जब पाकिस्तान पहले हो। क्या अभी पाकिस्तान के लोग आजाद हैं? पाकिस्तान में हाल फलस्तीन जैसा हो गया है, वहां जान से मारा जा रहा है, लेकिन हमें तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। एक अन्य शख्स ने कहा कि कश्मीर को तो हम तब साथ लाएंगे जब कश्मीरी चाहेंगे। कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिलना ही नहीं चाहता, वो पाकिस्तान में आकर महंगा आटा खरीदेंगे क्या? वहीं लोगों ने अपने नेताओं को
कोसते हुए कहा कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे चोर हैं, हमारे पास वोट इकलौता हक था उसको भी अब चोरी कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान वाकई में मान चुका है, पाकिस्तान की एक एक जनता समझ चुकी है कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तानियों का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों बात भी सही है कि कश्मीरी कभी भी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आज जो स्थिति है वहां पर एक एक पाकिस्तानी आटे दाल के लिए तड़प रहा है दोस्तों, और कश्मीरी कभी नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान में आटे दाल के लिए तड़पे, और भारत उनको सबसे बेस्ट लगता है और भारत में ही रहना चाहेंगे, क्योंकि कश्मीर भारत का था है और भारत का ही रहेगा। अगर आप भी मानते तो कमेंट में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय महिलाओं ने मनाया जश्न। जी हां, पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया है। आप सभी जानते ही हैं शाहजहां को 55 दिनों की फरारी के बाद गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि वो अपने कुछ साथियों के साथ घर में छिपा हुआ था। शाहजहां के खिलाफ संदेश खाली की महिलाओं ने जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया था। अब शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय महिलाएं जश्न मनाते हुए नजर आई हैं। दोस्तों एक दूसरे में मिठाई बांटती नजर आई हैं ये महिलाएं, और इनके चेहरे पर जो खुशी है दोस्तों ऐसा लग रहा है कि वाकई में भारत की मोदी सरकार ने इन टीएमसी के गुंडों से इनको निजात दिलाई है। दोस्तों इनके जो चेहरे पर मुस्कान है आप भी कहेंगे इनको देख कर कि इनके सर से बहुत बड़ा संकट खत्म हुआ है। बहरहाल दोस्तों इसी के साथ आपको सबसे बड़ी बात बता दें, जहां संदेश खाली की बहनों के साथ जो हुआ उससे पूरा देश गुस्से में है। जी हां, आराम बाग में टीएमसी पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहा टीएमसी ने संदेश खाली के आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश की। नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान संदेश खाली मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और उस पर अपने नेता शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली के आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश की। शेख शाहजहां को जबरन वसूली, जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद गिरफ्तार किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता संदेश खाली में हुए अत्याचार पर चुप हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि हर चोट का जवाब वोट से देना है। पश्चिम बंगाल के आराम बाग में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली की घटनाएं शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि लगभग 2 महीने तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि संदेश खाली की बहनों के साथ टीएमसी ने जो किया उसको देखकर पूरा देश गुस्से में है। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी हमला बोला और कहा कि मैं ये देखकर शर्मिंदा हूं कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता संदेश खाली में हुए अत्याचार पर चुप हैं। जी हां, मोदी जी ने कहा कि टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, तो बदले में बंगाल सरकार ने टीएमसी नेता को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। लेकिन बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर ही लिया। उन्होंने कहा कि मां माटी मानुष का ढोल पीटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली में बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी और आक्रोशित है। जी हां, साथ ही दोस्तों मोदी जी ने वादा किया है। मोदी जी ने कहा कि मेरी गारंटी है, मैं बंगाल के लोगों से वादा करता हूं कि लूटने वालों को लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है, मोदी इनकी गालियों और हमले से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसने गरीब को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। जी हां, उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को बंगाल में काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनके कामकाज के खिलाफ टीएमसी धरने पर बैठ जाती है। लेकिन पीएम मोदी ने क्लियर कहा है दोस्तों कि इस बार टीएमसी का घमंड जरूर टूटेगा। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या मोदी जी ने जो ये बातें कही है वाकई में टीएमसी का घमंड टूटेगा, सरकार में बदलाव आएगा, जंगल राज खत्म होगा, गुंडा राज खत्म होगा बंगाल से? क्या लगता है दोस्तों आपको कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या बंगाल की जनता इस बार टीएमसी को करारा जवाब देगी? दोस्तों इन्हीं का जवाब आप लोग कमेंट में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहरहाल अगली खबर की बात करें, जहां चंद्रयान 3 वाला कारनामा करना चाहता था अमेरिका का अंतरिक्ष यान, चांद पर लैंड होते ही टूटी टांग। जी हां, अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान बोले तो स्पेस क्राफ्ट चांद की सतह पर एक सप्ताह तक तड़पने के बाद गुरुवार को गहरी नींद में जाकर सो गया। जी हां, ओडिसियस नाम का यह स्पेस क्राफ्ट एक सप्ताह पहले ही लॉन्च किया गया था। ये एक प्राइवेट अमेरिकी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स का स्पेस क्राफ्ट है। हालांकि चंद्रमा पर लैंड होते ही इसका एक पैर टूट गया और एक तिरछा हो गया। इसके बाद काफी कोशिशें की गई लेकिन इसे खड़ा नहीं किया जा सका। आखिरकार धरती पर इसके कंट्रोलर ने इसे गुरुवार को सुला ही दिया। जी हां, अगली खबर बता दे, आईएनएस जटायु को लेकर सबसे बड़ी खबर, आईएनएस जटायु और रोमियो करेंगे पहरेदारी, हिंद महासागर में बजने वाला है चीन का बैंड। जी हां, हिंद महासागर में भारतीय हितों की रखवाली के लिए एक और योद्धा तैयार है। लक्षद्वीप में अगले हफ्ते नौसेना के नए बेस की शुरुआत होगी। मिनिकॉय में आईएनएस जटायु की कमीशनिंग सेरेमनी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मिनिकॉय का नेवल बेस देश की सेवा में समर्पित किया जाएगा। इस मौके पर MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स की टुकड़ी भी नौसेना का हिस्सा बनेगी। आईएनएस जटायु और रोमियो स्क्वाड मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र IOR को और सुरक्षित बनाएंगे। IOR पर चीन की गंदी नजर है। आईएनएस जटायु अंडमान में मौजूद नेवल बेस INS बाज जैसा ही होगा, ये भी सभी तरह के लड़ाकू विमानों और एयरक्राफ्ट को हैंडल कर पाएगा। मिनिकॉय आइलैंड को अगले कुछ सालों में बड़ा मिलिट्री हब बनाने का प्लान है।
इतना बड़ा कि वहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर पाए। दोस्तों इसी बीच ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।